मूवी की शुरुआत में हमें एक गोल्डन स्टैचू मैन को दिखाया जाता है, जो कि शहर के इस इलाके में स्टैचू बनने का काम करता है। लेकिन आज ये गोल्डन मैन काफी घंटों से बिना कोई मूवमेंट करे एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, जिसका कारण ये डरावना टेढ़े मुंह वाला ज़ॉम्बी है, जो कि बिल्कुल इसके सामने ही खड़ा है। ये गोल्डन मैन रोज की तरह अपने स्टैचू बनने का काम कर रहा होता है, पर पता नहीं कैसे शहर में ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और चारों ओर खून, लाशें और ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ये टेढ़े मुंह वाला ज़ॉम्बी गोल्डन मैन के सामने से हटने का नाम नहीं लेता। तभी वह स्टैचू मैन सोचता है कि मैंने पिछले 5 मिनट से सांस नहीं ली है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। ये धीरे धीरे सांस लेता है और इतने ज्यादा घंटों से एक जगह पर खड़े होने के कारण अब इसके पैर जवाब देने लगते हैं, और सबसे खतरनाक बात तो ये होती है कि अब इसकी नाक में खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन ये किसी तरह से अपनी खुजली पर काबू कर लेता है और तभी वहाँ से भागते हुए एक आदमी को ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं, जिसका फायदा उठाकर स्टैचू मैन अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। वहीं इसके नीचे ज़ॉम्बी उस आदमी की चीरफाड़ कर देते हैं, जिसे देखकर गोल्डन मैन